कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी 13 मई को इंदौर में रोड शो करेंगी। ये रोड शो शाम 4:30 बजे से 6:30 बजे तक राजमहल्ला से संजय सेतु तक निकलेगा। प्रियंका गांधी कांग्रेस प्रत्याशी पंकज संघवी के पक्ष में रोड शो करेंगी। सूत्रों के मुताबिक 2 घंटे तक निकलने वाले रोड शो में हजारों कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। रोड शो को लेकर पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। गौरतलब है कि इंदौर लोकसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी पंकज संघवी और भाजपा उम्मीदवार शंकर लालवानी के बीच मुकाबला है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा ने बताया कि प्रियंका गांधी सुबह 11:20 पर दिल्ली से रवाना होकर दोपहर 12:30 पर इंदौर पहुंचेंगी। वहां से दोपहर 12:40 पर रवाना होकर दोपहर 1 बजे उज्जैन पहुंचेंगी। 1:15 पर वो वहां से रवाना होकर 1:45 पर महाकालेश्वर दर्शन के लिए पहुंचेंगी। दोपहर 2 बजे उज्जैन से रवाना होकर दोपहर 2:40 तक रतलाम पहुंचेंगी। सलूजा ने बताया कि दोपहर 2:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक रतलाम में रहेंगी। दोपहर 3:40 से रतलाम से रवाना होकर शाम 4:10 पर इंदौर पहुंचेंगी। वहां पर शाम 4:30 बजे से शाम 6:30 बजे तक रोड शो में उपस्थित रहेंगी। वे शाम 6:45 पर इंदौर से रवाना होकर शाम को 8 बजे दिल्ली पहुंचेंगी। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।